नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ECI इकोनॉमिक सेंसस आर्थिक जनगणना। अगर आपको अपना ECI का पूरा पेमेंट नहीं मिला है और आपने भी CSC के माध्यम से ECI इकोनॉमिक सेंसस आर्थिक जनगणना में काम किया है तो आपके लिए वाला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप CSC हेल्पडेस्क चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी CSC से जुड़ी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप एक CSC वीली हैं और आपने ECI इकोनॉमिक सेंसस में काम किया है और आपको अपना पूरा पेमेंट नहीं मिला है, आपको लगता है कि आपने जितना काम किया है उससे कम आपको पेमेंट मिला है, तो CSC ने यहाँ पे ऑफिशियली अपडेट आप सभी वीली भाइयों के लिए निकाला है। अगर आपको ये अपडेट का पता नहीं है तो आपको ध्यान से एक स्क्रीनशॉट जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है उसको ध्यान से देखना। दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट को अगर आप देखेंगे जो कि मैंने साइड में लगाया है, इस स्क्रीनशॉट को आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट जो कि ये नोटिस CSC की तरफ से ऑफिशियली निकाला गया है आप वीली के लिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। 7th ECI पेमेंट नोटिस, मतलब 7वीं आर्थिक गणना पेमेंट का एक नोटिस CSC की तरफ से निकाला गया है। ECI में काम करने वाले सभी वीली को जानकारी दी जाती है कि स्टेट टीम के द्वारा पेमेंट की जानकारी दी गई है। सभी लोगों को CSC SPV स्टेट टीम के द्वारा 7वें आर्थिक जनगणना के कार्य का पूरा पेमेंट विभिन्न तिथियों को कर दिया गया है। दोस्तों, CSC ने बताया कि आपको इकोनॉमिक सेंसस आर्थिक जनगणना का जो पेमेंट है वो आप सभी का यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है। आपका कोई भी पेमेंट अब CSC की तरफ से पेमेंट नहीं आएगा, CSC द्वारा बताया गया है। इस संबंध में जिला से कन्फर्मेशन के लिए पूरी सूची जारी किया गया है कि जिन वीली को लगता है कि उनका ECI का कार्य का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है वह जिला कार्यालय से संपर्क करें। CSC ने दोस्तों आप सभी वीली को अपडेट किया है कि आपको लगता है कि आपका ECI का पूरा पेमेंट नहीं आया है, आपका पूरा पेमेंट नहीं मिला है, आपने जितना सर्वे किया उससे कई कम गुना आपका पैसा आया है, तो आपको अपने जिला कार्यालय से संपर्क करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना है। यहाँ पे क्या बताया गया है और भी आपको ध्यान से देखना है। अपनी पेमेंट की जानकारी और आपका पैसा प्राप्त हुआ है अथवा कुछ बकाया बचा हुआ भुगतान उसे कंफर्म कर सकते हैं। इस अंतिम फॉर्मेट के बाद 7वें आर्थिक जनगणना के पेमेंट संबंधित किसी प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यहाँ पे यह बताया गया है कि आपके जिला अधिकारी को यहाँ पे CSC के द्वारा एक सूची भेजी गई है जिसमें आप वीली ने किस डेट में कितना काम किया है, किस डेट में आपको कितना पेमेंट मिला है, किस डेट में आपका DGPA में कितना पेमेंट भेजा गया है, वो सारा सूची आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास आ चुकी है। आपको कितना पेमेंट मिला है उस सूची से आपको अपना मिलान करना है। अगर आप मिलान नहीं करते हैं, उसके बाद कोई दावा करते हैं पेमेंट लेने का, किसी प्रकार का कोई मेल करते हैं, किसी प्रकार का कोई फ़ोन लगाते हैं, कंप्लेन करते हैं, वो यहाँ पे CSC द्वारा कोई मान्य नहीं किया जाएगा। CSC ने यहाँ पे पूरे ही आपको अपडेट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अतः CSC के कार्य में जुड़े सभी वीली 26 और 27 दिसंबर इन दो दिनों में अपने पेमेंट संबंधित जानकारी के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कार्यालय से अवधि के दौरान अपनी उचित साक्ष्य साथ प्राप्त राशि की जानकारी और डिस्ट्रिक्ट टीम के पास दिए गए पेमेंट शीट से मिलान करें। यहाँ पे बताया गया है कि 26 और 27 दिसंबर ये दो दिन आप सभी वीली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों दिनों के अंदर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जो सूची आई है और आपको जितना पेमेंट रिसीव हुआ है, जितना पेमेंट आपको मिला है, उनसे मिलान करना है। अगर आप इन दोनों दिन या के अंदर मिलान नहीं करते, इन दोनों दिनों के बाद अगर आप किसी प्रकार का कोई भी कदम उठाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वो CSC द्वारा यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। CSC ने आपको दो दिन दिए हैं दोस्तों, अगर आपने मिलान नहीं किया है तो आप मिलान कर ले। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपको अब पेमेंट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यदि किसी तरह के भुगतान की विलंबित है तो इसकी जानकारी स्टेट टीम और दिल्ली हेड ऑफिस को मेल के माध्यम से देना यह अंतिम अवसर है। इसके बाद ECI के पेमेंट का डिस्ट्रिक्ट टीम के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ पे ये नहीं सुनता है, आपका मिलान नहीं हो पाता है, तो आपको स्टेट टीम या दिल्ली जो टीम है उनसे यहाँ पे मेल के माध्यम से आपको अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी। रिपोर्ट भेजने के बाद ही आपका पेमेंट रिलीज होगा। अगर आप इन दो दिनों के बाद यह
कार्रवाई नहीं करते हैं, आप अपनी रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, बाद में अगर आप कंप्लेन करते हैं किसी प्रकार का कोई भी मेल भेजते हैं तो उसकी यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। या सी एस ए ने यहाँ पे पूरी जानकारी आपको अपडेट कर दी है। तो दोस्तों अगर आपको अपना पेमेंट लेना है और अगर आप 26 और 27 की डेट में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ECI का पेमेंट जो रुका हुआ है, आपको कम मिला है, उस पेमेंट को आप ले सकते हैं। अगर आप 26 दिसंबर 27 दिसंबर के बाद में अगर किसी प्रकार की कोई भी मेल करते हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको अपना पेमेंट नहीं मिलने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी, ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी, ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक व्यूज में वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जिन व्यूज को अपना पेमेंट नहीं मिला है वो अपने पेमेंट के लिए यहाँ पे मेल कर सकें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास अपनी बात को पहुँचा सकें, अपनी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जो सूची आई है उससे मिलान कर सकें।